तो यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं बैंकिंग करेस्पोंडेंट सखी बहनों की मानदेय को लेकर, और इतना ही नहीं आंगनवाड़ी बहनों को लेकर क्या खबर आई है, आने वाले समय में क्या आंगनवाड़ी बहनों की भर्ती फिर से होने जा रही है, कुछ आंगनवाड़ी बहनों पर सख्त कार्रवाई भी की गई है। दोस्तों, क्या बैंक ऑफ बड़ौदा में जिन बैंकिंग करेस्पोंडेंट सखी बहनों का बैंक अकाउंट था उनका मानदेय आ चुका है, और पार्टनर बैंक एजेंसियों का मानदेय क्यों नहीं आ रहा है, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बैंकिंग करेस्पोंडेंट सखी, जिन लोगों का काम है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बैंकिंग ढांचागत क्रम को काफ़ी मजबूती प्रदान करना और एक महीने में 20 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में बताया था कि कैसे आपको बैनर बनाकर सोशल मीडिया पर या पंपलेट छपवा कर आप अपना खुद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ताकि आपके यहाँ दूसरे गांव के भी लोग आके आपकी सुविधाओं को उठा सके, आपकी सेवाओं को का लाभ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या कुछ विशेषज्ञ बहनों का मानदेय आ गया है। फरवरी महीने का मानदेय को लेकर काफ़ी अटकलें लग रही थी, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, जिन बीसी सखी बहनों का बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में खाता था, उन लोगों का 4,000 रुपये का मानदेय 16 मार्च को क्रेडिट हो गया है। अभी भी कुछ बीसी सखी बहनों का मानदेय क्रेडिट होना शुरू हो गया है। दोस्तों, मैं स्क्रीन पर आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, उसमें 4,000 रुपये क्रेडिट हुआ है 3:30 बजे 16 मार्च को। बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में इन बहन का खाता था, इनका मानदेय आ चुका है। तो आप अपनी पासबुक को ज़रूर जाके अपडेट करें, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप उसको जाके लिंक करवाइए, और जल्दी से जल्दी आप चेक कीजिए कि क्या आपका मानदेय आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं और भी पार्टनर बैंक एजेंसियों से बात कर रहा हूं, उनके टच में हूं, कि जैसे ही मानदेय आएगा मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट ज़रूर करूंगा। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, जैसा कि विधानसभा चुनाव हो चुका है और आंगनवाड़ी बहनों आशा बहनों पर खाप गिरना शुरू हो गया। 400 से ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा खत्म कर दी गई है। विभिन्न मांगों के लिए हड़ताल में शामिल होने का भुगतना पड़ा है खामियाजा। दोस्तों, क्या आपको अपना हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना गलत है? अगर गलत है तो क्यों गलत है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपकी मांग जायज़ है, वाजिब है, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। दोस्तों, पूरा नहीं हुआ नियमित करने का दावा। आने वाले समय में जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने आंगनवाड़ियों से जुड़ी महिलाओं की मांग को दरकिनार कर रही हैं, उन्हें नियमित करने का वायदा अब तक अधूरा है। 90 से अधिक महिलाओं को बर्खास्त करने का नोटिस भेजना गलत है। प्रदेश महिला एवं बाल विकास ने इन महिलाओं को तत्काल प्रभाव से सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया है क्योंकि वे अपने अधिकारों के लिए दिल्ली सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी। 45 दिनों से अधिक समय से प्रदर्शन कर रही महिलाओं को माफी पत्र लिखने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यूनियन के अध्यक्ष ने कहा है कि हजारों की नौकरी पर तलवार लटक चुकी है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ी संख्या में बर्खास्तगी के पत्र भेजे जा रहे हैं। आने वाले समय में क्या यूनियन के अध्यक्ष इस चीज़ की मांग करेंगे कि आने वाले समय में अनुरक्षण अधिनियम लगा दिया गया है, फिर भी दिल्ली सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री ने दिखावे और जनता को भ्रमित करने के इरादे से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से काम पर लौटने की अपील की है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका विभाग हड़ताल में शामिल महिलाओं को लगातार बर्खास्तगी पत्र भेज रहा है। दोस्तों, आने वाले समय में एक अहम बैठक भी होने वाली है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस मामले में दिल्ली सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है। मंगलवार को कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में इस मुद्दे पर इतनी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। दोस्तों, आप किसी भी राज्य के निवासी क्यों ना हो, आप भारत के किसी भी राज्य में क्यों ना रहते हो, अगर आपको सरकार के द्वारा संविदा के पद पर रखा गया है तो आपको मानदेय देना भी सरकार का काम है। आप अपने काम को 100% ईमानदारी से कीजिए। जो भी सरकार आपको काम देती है उसका निर्वहन, अपने कर्तव्य का, अपनी ड्यूटी का निर्वहन 100% ईमानदारी के साथ कीजिए। यकीन मानिए, आने वाले समय में जिस तरीके से बीसी सखी बहनों पंचायत सहायकों का मानदेय समय पर आ रहा है, ठीक उसी तरीके से आंगनवाड़ी बहनों को भी जल्द से जल्द अस्थायी भी किया जा सकता है। निवेदन करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाकर और नोटिफिकेशन पर जरूर कीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।